यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल, मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे ने दिया विवादित बयान, विवादित बयान देने पर एफआईआर हुई दर्ज। मैनपुरी नवोदय छात्र हत्याकांड में एसआईटी ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र, आबकारी मंत्री के बेटे का नार्को टेस्ट कराएगी एसआईटी, कोर्ट ने दी अनुमति। औरैया में ईवीएम को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था, 24 घंटे मुस्तैद रहेगी पुलिस, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। बस्ती में हुआ भीषण सड़क हादसा, हादसे में 3 जवान की हुई मौत, पुलिस से पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी चुनाव में विवादित बयानों का दौर जारी है। अब मऊ में मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे ने विवादित बयान दिया है। उनकी तरफ से अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कहा गया कि पहले सबका हिसाब किताब होगा, फिर आगे की बातचीत की जाएगी। दरअसल मऊ सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जहां अब्बास अंसारी ने एक जनसभा के दौरान मंच से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उत्तेजित भाषण दिया, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। नगर क्षेत्र में आयोजित जनसभा के दौरान भी उनके द्वारा उसी तरह का भाषण दिया गया। उस भाषण की वजह से उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और चुनाव आयोग ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171 च और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां बीती 20 फरवरी से एक व्यक्ति लापता है। नाम धनंजय पंत है, उम्र 34 साल है। धनंजय पंत के लापता होने से उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता बेसुध हैं और पुलिस ने के हाथ अभी भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। ग्रेटर नोएडा के अंबर अरिहंत या अपार्टमेंट, ये बिल्डिंग है जहां पर एक परिवार रहता था। 20 तारीख को उस परिवार की खुशियों में ग्रहण लग गया जब उनके घर का एक व्यक्ति लापता हो गया। बीती 20 तारीख से धनंजय पंत लापता है, जिसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग सका है। बीवी का कहना है कि 20 तारीख को वो घर से निकले थे और बताया था कि गाज़ियाबाद में किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी भी घर नहीं लौटे। 21 तारीख को FIR दर्ज कराई जाती है। बिसरख थाने में पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। पुलिस जब अपनी जाँच पड़ताल को आगे बढ़ाती है तब वो पाती है कि मुरादनगर की गंग नहर के पास उनकी बाइक खड़ी पाई जाती है, लेकिन धनंजय पंत का कोई पता नहीं चलता। धनंजय पंत की लगातार पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी है, उनको ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी सवाल ये है कि अभी तक धनंजय पंत को पुलिस ढूंढने में नाकाम क्यों है, अभी तक पुलिस कोई भी सुराग क्यों नहीं लगा पाई है, अभी तक कोई भी क्लू क्यों नहीं मिला है। इसी सब जानकारियों को इकट्ठा करने, हासिल करने के लिए आज हम धनंजय पंत के घर पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने। उनके घर पर जो उनके लोग हैं, जो उनकी वाइफ हैं, जो उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी एक बहन है, वो अपने घर के इकलौते लड़के थे। उनके पिताजी बेसुध हालत में हैं, लेकिन फिर भी आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर मसला क्या है, क्या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से उनका बेटा शायद किन्हीं और कारणों से घर से चला गया हो, या फिर सच में कुछ ऐसी दुर्घटना की भी आशंका है कि जिसके लिए पुलिस को और तत्काल रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मेरा नाम प्रीति पंत है, हम अरिहंत अंबर ग्रेटर नोएडा बिसरख यहाँ पर रहते हैं। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। 20 तारीख से मेरे हस्बैंड मिसिंग हैं। वो घर से बोलकर गए थे कि मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ। 12 बजे वो निकले थे दिन के, लेकिन मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया जब 4:15 बजे, तो फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था।
उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ ही है, ना वो घर वापस आए हैं, फोन भी अभी तक ऑन नहीं हुआ है। हमने 10-11 बजे तक वेट किया रात के कि वो शायद आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए, हमने कॉल किया पुलिस को, बट पुलिस ने बोला कि 24 घंटे से पहले वो FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने 24 घंटे का वेट किया, फिर नेक्स्ट डे हम 21 फरवरी को थाना बिस्टक में गए, वहाँ हमने उन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की, जो उनकी बाइक थी वो हमें मुरादनगर पर मिली, वहाँ पर खड़ी हुई, लेकिन उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, और आगे CCTV फुटेज के बिहाफ पे भी पुलिस कुछ पता नहीं लगा पा रही है। बाकी हमने पुलिस वालों से पूछा है कि आप क्या आगे कार्यवाही कर रहे हो, उन्होंने हमें बताया है कि वो फिजिकल ग्राउंड पे और फिजिकल फोर्स के बेसिस पे जो आसपास के इलाके हैं उनमें पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें रोज़ यही रिस्पांस मिलता है पुलिस वालों से कि हम ट्राई कर रहे हैं, बट आज 13 दिन हो गए मेरे पति को घर में, और उनका अब तक कुछ पता नहीं है। मेरी अपील यही है सबसे, प्रशासन से, पुलिस से जल्द उनका पता लगाया जाए, क्योंकि उनके फैमिली में भी सिर्फ वही बेटे हैं अपने पेरेंट्स के, कोई नहीं है। पेरेंट्स की हालत भी बहुत खराब है, वो दोनों की हालत बहुत खराब है। तो मैं बस यही दरख्वास्त कर रही हूँ कि जल्द से जल्द और बहुत प्रायोरिटी बेसिस पर उनका पता लगाया जाए, ताकि हमें कुछ तो पता चले कि वो कहाँ है। वो हमारे माँ बाप का इकलौता बेटा है, और हमारे माता पिता की ऐसी कंडीशन है अभी कि वो उससे ज़्यादा दुख सहन नहीं कर सकते। बस मेरा यही अनुरोध है पुलिस प्रशासन से कि मेरे भाई को कृपया जल्दी से जल्दी ढूंढने का प्रयास करें। धनंजय पंत के परिवार वालों से बात करने के बाद इस वक्त हम आए हुए हैं, ये थाना बिस्रक है जहां पर पहली FIR जो है वो रिपोर्ट की गई थी। यहां थाना बिस्रक में आकर हमने जब अधिकारियों से बात की और उनसे अपडेट जानने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि वो कैमरे पर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है। दरअसल जो उच्च अधिकारी हैं वही कैमरे पर बता सकते हैं, और एडिशनल DCP साहब इस वक्त यहाँ नहीं है, वो फील्ड पर हैं किसी काम से। लेकिन यहाँ पर ACP योगेंद्र सिंह से हमारी बात की हमारी टीम ने, और उन्होंने बताया है कि इस पूरे केस को वो खुद निगरानी रख रहे हैं, टीम गठित की गई है, और जल्द ही ढूंढने का हर संभव प्रयास धनंजय पंत को किया जा रहा है। लबोलुआब यह है पूरी बात का कि हर केंद्र बिंदु पर पुलिस अपनी जांच कर रही है, और ACP योगेंद्र सिंह ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन सरताज के साथ मैं काविंद्र चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए। नवोदय छात्रा के कथित हत्या और दुष्कर्म के मामले की जांच कर रही SIT आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री के बेटे अंकुर अग्निहोत्री का नार्को टेस्ट कराएगी। SIT के सदस्य ASP ज्ञानेंद्र नाथ के आवेदन पर सुनवाई करने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम ने अनुमति दे दी है। इसके बाद एक बार फिर नवोदय कांड सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि भोगांव के जवाहर नवोदय विद्यालय की 11वीं छात्रा 16 सितंबर 2019 को उसकी मौत हो गई थी। छात्रा का शव हॉस्टल में फंदे पर लटका मिला था। छात्रा के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम के दौरान तैयार की गई स्लाइड जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस मामले में SIT की टीम लगातार जांच कर रही है। और यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के
अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I'm currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। आने वाले 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। नवीन मंडी स्थल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में 3 विधानसभाओं की 1281 ईवीएम मशीन रखी हुई है। ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए स्थानीय थाना फोर्स के अलावा बाहर से आई पीएसी और सीआरपीएफ की सशस्त्र पुलिस 24 घंटे मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं स्ट्रांग रूम की जाँच करने पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मतगणना स्थल को चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत सुरक्षित बनाया गया है। ये पूर्व की वर्षों की तरह मंडी समिति औरैया में ईवीएम रखी गई है, पहले भी वहीं रखी जाती थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे प्रदेश सरकार डीजीपी मुख्यालय के जो गाइडलाइंस हैं सुरक्षा की, उसके तहत उनको सुरक्षा में रखा गया है और सीएपीएफ और हमारी सिविल पुलिस पीएसी सब त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके तहत है। डेली एक स्टेट अफसर द्वारा उसकी चेकिंग होती है दिन में रात में और सभी ड्यूटीज़ को जो है वो लगातार चेक किया जाता है। कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता। बस्ती के मुनेरवा थाना के खजौला NH-28 पर भीषण सड़क हादसा हो गया जहां हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने जवानों से भरी बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में फंसे जवानों को बाहर निकाला, उनको जिला अस्पताल भेजा गया और 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक को हिरासत में भी ले लिया गया है। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में शव दफनाने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। दरअसल कंकरखेड़ा क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित कैलाशी अस्पताल के पास एक कब्रिस्तान मौजूद है जहां नगला ताशी की रहने वाली एक महिला की मृत्यु हो गई थी। परिजन शव को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए पहुंचे लेकिन इसी बीच सागर तोमर नाम के एक शख्स मौके पर पहुंचकर शव दफनाने से मना करने लगा और प्लॉट को अपना बताया। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को भड़काने के आरोप में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 2 के खिलाफ धार्मिक उन्माद भड़काने की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली में तैनात एक दारोगा शादी समारोह में जमकर थिरकते नजर आए। दरअसल शादी समारोह में पंजाबी गानों पर दारोगा का ठुमके लगाते हुए वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां दारोगा नशे में धुत होकर वर्दी की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। बता दें कि एसपी की लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस का आश्रण सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और यहाँ पर दारोगा पंजाबी गानों पर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वही पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली में हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला और उसका सहयोगी गिरफ्तार हो गया है। लोगों से बातचीत करके उनके खिलाफ थाने में गंभीर धाराओं में तहरीर देकर अपना शिकार बनाते थे। दरअसल जाल में फंसे लोगों को मुकदमे से बचाने के लिए बड़ी रकम वसूली जाती थी। इस घटना में फंसे एक पीड़ित ने पैसे की व्यवस्था करने के बहाने थाने पहुंचकर अपनी आपबीती बताई। अब इस मामले में बंडा निवासी ब्लैक मिलर महिला और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एटा में हत्याओं का सिलसिला अभी नहीं रुक रहा है। दरअसल एटा कोतवाली देहात के गांव नगला पवन में जमीन में दफन शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि शव महिला या पुरुष का है अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इसकी जांच पड़ताल कर रही है। फतेहपुर के अमौली विकासखंड के बिनई ग्राम सभा में प्रधान के चुनाव के बाद ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ग्राम प्रधान सिया देवी विकास कार्य का वादा पूरा करने में जुट गई हैं। इसके तहत सिया देवी ने पंचायत भवन के सुधारीकरण के तहत बाउंड्री और गेट का काम भी शुरू करवा दिया है। यह पंचायत भवन बाउंड्री का कार्य करवा रहे हैं। जब हम निर्वाचित हुए तो हमने सर्वप्रथम पहले देखा कि अगर हमारा पंचायत भवन नहीं सही होगा तो हम गांव के विकास के लिए क्या करेंगे। तो हमने देखा कि पंचायत भवन जो है, हमारे पंचायत भवन की बाउंड्री और गेट अन्य शीशे से टूटे पड़े थे, ना इसमें बाउंड्री थी, ना किसी तरह से वो था। तो हमने नए निर्माण के लिए हमने मनरेगा के द्वारा जो है बाउंड्री और गेट का निर्माण कराया और वही कार्य चल रहा है। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र में अवैध असलों के साथ एक युवकों की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। युवक की फोटो अखिलेश राजपूत नाम की फेसबुक आईडी से शेयर की गई। वहीं अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वही लखनऊ के मड़ियाहू थाना क्षेत्र में दलित युवक और युवती ने कोर्ट में शादी करके कानूनी प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके बाद युवक युवती ने शादी से जुड़े दस्तावेज थाने में जमा कर दिए, लेकिन थाने के दारोगा ने युवक से गाली गलौच की है। युवती ने बताया कि उसके जीजा सपा के नेता हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगातार इस तरह की प्रताड़ना से जूझना पड़ रहा है। तो तस्वीरें सामने आई जहाँ पर ये प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था, लखनऊ के मड़ियाहू का, जहां पर दलित युवक और युवती ने कोर्ट में शादी करके कानूनी प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी दारोगा जो है वो गाली गलौज करते हुए युवक से नजर आ रही है। तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है जी सर। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों के जी जी, लेकिन मेरी मनवता है कि कल मैं दरोगा जी को भेजा था, तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप को मैं नहीं बुलाया जी जी। तो तुम्हारी उम्र कितनी है, ये निधि की उम्र कितनी है? सर मेरी तो है 20/9/1999 डेट ऑफ बर्थ है, मार्कशीट में 10th की। तो 23 साल के हो गए जी। इसकी कितनी है? सर उनका है, उनका मैं बता रहा हूँ, उनका है 2003।
2003 मतलब 19 साल की वो भी है। मैं बता रहा हूँ उनका। एक मिनट कहाँ गया। हाँ सर, उनका उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, क्लियर है आपका, 30/2/2003 30/7/2003 तीन जी। तो तीन मतलब इधर 17 हो गया, 2 21 मतलब वो भी 20-21 साल की है जी जी। तो तुम दोनों बालिक हो जी, टीकर गांव के तुम रहने वाले हो जी। हाँ जी जी, संपतगंज तुम्हारा थाना है जी जी सर। के मुझे विवश न करके तुम्हारी करके बाप को बिलाऊंगा, तुम्हारे बाप को सबको जेल भेजू जी। समझ गए ना, बालिक हो चले आओ, आ करके अपना बयान दो, हमारी तुमसे दुश्मनी थोड़े है। अरे सर मुझे, क्यों लाला मुझे तुमसे दुश्मनी है? नहीं सर, लड़की के घर वाले मुकदमा लिखा है तेरे विरुद्ध, तुम्हारे परिवार के विरुद्ध, तो तुम आ जाओ, आ करके अपना बताओ, लड़की का आधार कार्ड होगा तुम्हारे पास? सबका है सर, मुझे तो कल पता चला, मुझे अगर पहले बुलाएगा तो मैं नहीं आता। तो तुम दोनों आदमी चले आओ, आ करके अपना बयान दो, अपना जाओ यहाँ पर, अपना फोटो खींचाओ, जाओ। सर मुझे आप आज कॉल किए हैं, ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ, कल परसों तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। थोड़ा एक्ट करके मत बोल, किससे बात कर रहे हो ये नहीं तुम समझ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी मैं कंपनी से छुट्टी करके मैं रूम पे जा रहा हूँ, रूम पे जाके मैं प्लान बना के मैं कल परसों में चला हूँ। ये नंबर हमारा नोट कर लो जी, मैं ही इसका विवेचक हूँ, यहाँ मड़ियाव थाने पर अजीत बिटोली चौकी जी जी जी। तो बेटे चले आओ, तुम्हारी खैरियत है, नहीं तो मेरा कागज रोज रोज दौड़ता है। बात तुमसे कर रहा हूँ, मैंने इतने बजे इतने नंबर पर मैंने कॉल करके बात किया, ये भी मैं लिखता हूँ सीडी में जी जी। तो चले आओ, नहीं तो देखो अभी तुम्हारे बगल में अभी बात कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर लो, अब वीडियो कॉल करके देख लो दो लोग आए हैं, मैं इनको कैसे छोड़ रहा हूँ, न्यायालय से बयान कर रहा है। एक दो दिन का मोहलत दीजिए, मैं चलाऊंगा। देखो एक मुकदमा लिखा गया था 115 जी, तुम्हारे बाप ये लड़की भगी थी। तुम कै तारीख को गए थे? सर हम लोग 18 तारीख को आए थे। तुम कै तारीख को गई थी लड़की? ये 20 तारीख को गई थी जी। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वीडियो कॉल करके देखो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जेल भेज रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनको बरी कर रहा हूँ जी जी। सर वीडियो कॉल कर, सर मुझे आज पता चला है, कल मेरे घर पे पुलिस गई थी, मुझे आज पता चला। वीडियो कॉल करके सुन लो, पूछ लो, मैं मुकदमा तो नेट पर निकाल के दिखा लो कि मुकदमा लिखा गया था इसके विरुद्ध, उसके बाद मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि नहीं छोड़ रहा जी। सर जी सर, चल उधर से वीडियो कॉल कर। ठीक है सर, मैं करता हूँ। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।